एक बारी एक इंसान अपनी ऑफिस से घर की ओर चला था। बीच रास्ते उसे एक दुकान दिखाई दी। दुकान पर एक अनोखा सा बोर्ड लगा हुआ था। लिखा था कि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। माँ बहुत बीमार रहती है और मुझे माँ के साथ ही रहना पड़ता है। अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो तो आप खुद नाप तोल के सामान ले जा सकते हैं और पैसे उस पत्थर के नीचे छोड़ दीजिएगा। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी अपने मन के हिसाब से सब्जियां और फल ले जा सकते हैं। मैं आपको इसके लिए अनुमति देता हूँ। इस इंसान ने आसपास देखा तो नापने तोलने का मशीन तो था, तो उसे जो चाहिए था उस हिसाब से सब्जियां और फल लिए और पैसे का हिसाब करके उसे पत्थर के नीचे जा छोड़े, जहाँ पर 10, 20, 50 और 100 की काफी नोटें पड़ी हुई थी। अपना सामान लेकर ये तो चलता बना, लेकिन खाना खाने के बाद टहलने निकला अपनी पत्नी के साथ तो उसी डायरेक्शन में गया। वहां देखा तो फटे हाल एक आदमी फटे हुए कपड़ों में था। अधेड़ उम्र का इंसान होगा उसी दुकान के पास खड़ा था। इस इंसान को अपनी पत्नी के साथ आते हुए देखकर बोला, साहब आज तो सब्जियां और फल खत्म हो चुके हैं, आप कल आइएगा। इस इंसान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूछा, इस बोर्ड के बारे में बताओ, क्या है कहानी? इस अधेड़ उम्र के इंसान ने जवाब दिया कि 3 साल से मेरी माँ बेहद बीमार है। अब तो माँ को लकवा भी मार गया है। एक दिन मैंने मेरी माँ से यही कहा कि माँ मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी पत्नी भी चल बसी है तो माँ की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। माँ ने उस दिन खांसते हुए कांपते हुए एक तकिए का सहारा लेकर उठ बैठी, भगवान से हाथ जोड़े बड़बड़ाई और फिर मुझसे कहा, जा। उसी जगह पर एक टेबल लगा, टेबल के ऊपर दुकान लगा और हमें जो चाहिए, जो हमारे नाम पर लिखा है, वो यही घर बैठे बैठे हमारे पास आएगा। मैंने कहा, माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही, चोर उचक्कों का जमाना है। पैसे कोई रख के भी गया या सामान रख के गया हूँ मैं सुबह से, कुछ चुरा लेगा तो? माँ ने कहा, मुझसे बहस न कर, बस ऊपर वाले का नाम लेना और सुबह से दुकान को भर दे, शाम तक में जो हमारे नाम का है वो हमें वापस आ जाएगा। साहब आज 2.5 साल हो चुका है। माँ की देखरेख करने उनके साथ रहता हूँ और सुबह दुकान भर के जाता हूँ, शाम तक में सब खाली हो चुका होता है। जब आके हिसाब करता हूँ तो पैसे जितने होते हैं उससे ज्यादा ही मिलते हैं। कभी कभी तो माँ के लिए कुछ लोग फूल छोड़ के जाते हैं। कल ही एक लड़की रोटी और अचार छोड़ के गई थी और ऊपर लिखा था माँ के लिए। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ के गए थे और लिखा था, अगर आधी रात को कोई न मिले तो मैं हूँ, कॉल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा फट से। क्या है ना कि ना मेरी माँ मुझे हिलने देती है और ना मेरा ऊपर वाला उस विश्वास को डगमगाने देता है। माँ की सेवा करते ही ऊपर वाला मुझे सफलता की ओर पहुंचाने के लिए खुद अग्रसर हो चुका है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसे 94.3 MyFM कहता है, किसी भी सिचुएशन में, प्रेशराइजिंग सिचुएशन में, जियो दिल से, हौसला ना छोड़े। बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वड़कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, अहमदाबाद आ कोई मारू छे, अर्चना की ओर से।